उसको शत प्रतिशत हम लोगों ने पूरा करने का प्रयास किया। अगर आप देखेंगे तब 2018 के समय हमने 18.5 लाख जो किसान थे हमारे छत्तीसगढ़ के, तत्काल 2 घंटे के भीतर उनके कर्जे माफ किए गए हैं। 9,270 करोड़ लगभग इनका कर्जा माफ हुआ। दूसरा हस्ताक्षर इसमें यह हुआ कि हम 2500 रुपए में समर्थन मूल्य में धान खरीदेंगे। जो किसानों को जो पैसे देने थे, जो बकाया था उनका ऋण, उसको भी तत्काल माफ किया गया। और अगर ये बात है, और अब वर्तमान में जो बात है, आप छोटा सा उदाहरण लीजिएगा कि अगर बेरोजगारी भत्ता जैसे रमन सिंह शासनकाल में 15 साल में केवल 98 करोड़ रुपए दिया गया था और हम लोगों ने मात्र 6 महीने में 182 करोड़ बेरोजगारी भत्ता दिया। हम लोगों को कौशल के तहत स्किल कर रहे हैं, उनको प्रशिक्षण दे, लोगों को बेरोजगारी भत्ता देना था नेताजी, 10 लाख लोग बोल रहे थे तो मैं चुप थी। अब आप मेरा समय में आप शांत, मैं सुन रही हूँ। आप कभी देखेंगे सारे लोगों को सामाजिक न्याय के न्याय मिल सके, सभी की भागीदारी हो, इसके कारण हम लोग, इसलिए हम लोगों ने जातिगत जनगणना की घोषणा की आदरणीय राहुल गांधी जी ने, किसानों के समझ से, किसानों के सलाह से, किसानों के साथ, क्योंकि ये हमारी जो सरकार है वो आम जनता की सरकार है, किसानों की सरकार है, महिलाओं की सरकार है, उनकी इच्छा के अनुरूप जो 20 क्विंटल धान खरीदी का घोषणा का फैसला भी हमारी सरकार ने किया, हमारी पार्टी ने किया। जो हमारे यहाँ राजीव गांधी भूमिहीन कृषि मजदूर न्याय योजना चलती थी उसमें जो 7,000 रुपए देते थे, आज तक दे रहे हैं, उसे 10,000 रुपए करने का जो घोषणा हुई है। आत्मानंद स्कूल, आप भारतीय जनता पार्टी के कार्यकाल में देखेंगे 3,000 से ज्यादा स्कूल बंद पड़े थे। आदिवासी अंचल के कई स्कूलों को अभी भूपेश बघेल जी की सरकार ने खुलवाया। स्वामी आत्मानंद स्कूल की योजना के तहत अंग्रेजी माध्यम के बच्चे पढ़ पा रहे हैं। फर्राटेदार वनांचल क्षेत्र के आदिवासी क्षेत्र के बच्चे भी फर्राटेदार अंग्रेजी बोल पा रहे हैं। वो क्यों? वो केवल स्वामी आत्मानंद स्कूल के कारण कर पा रहे हैं। आज राहुल जी ने कल घोषणा की थी केजी से लेकर पीजी तक निःशुल्क शिक्षा व्यवस्था, चाहे बच्चा आईआईटी करे, चाहे किसी भी गवर्नमेंट कॉलेज में, चाहे वो इंजीनियर बनना चाहे, डॉक्टर बनना चाहे, सरकार उसे मुफ्त शिक्षा देकर काबिल बना पाएगी।